So hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Yudhi and I hope you all are doing great in your lives. And आज है मेरा फर्स्ट एवर Q&A एंड मैंने कभी Q&A नहीं किया, ना ही मेरी पहले की चैनल पे और ना ही इस चैनल पे मैंने कभी भी नहीं किया. ये मेरा फर्स्ट टाइम है. सो लेट्स गो, लेट्स डू इट. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने अभी आई थिंक 20-25 मिनट्स पहले ही डाला इंस्टाग्राम पे स्टोरी फॉर द क्वेश्चंस. एंड काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ रिपीटेड भी है. तो मैंने वो मेन क्वेश्चंस पिक किए हैं और उसके बारे में हम आज बात करेंगे. पिक नहीं किया है, मतलब अभी मैंने पूरा नहीं देखा. कुछ अभी जो करंट रिसेंट आए अभी थोड़ी देर पहले वो मैंने देख लिए, पहले वाले मैंने ये देख पाई. तो कोई नहीं, अभी हम साथ में देखते हैं एंड आंसर करते हैं. एंड आज मेरा यूट्यूब का फ्रेम स्ट्रेट है तो आज के दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो लेती, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कुछ एडिटिंग के टाइम पे. एंड अगर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा. एंड लेट्स गो, लेट्स आंसर द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट गाइस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिग फैन, व्हेन विल न्यू वीडियो कम आउट? दिस इज माय सिस्टर. हाय शिका दीदी, सो थैंक यू सो मच. न्यू वीडियो अभी आएगा ये वाला, तो यस न्यू वीडियो आएगा 2nd ऑफ. एक और क्वेश्चन, ओके लेट्स मूव ऑन. व्हाट आर योर हॉबीज? व्हाट आर माय हॉबीज? माय हॉबीज इज फोटोग्राफी, लिसनिंग टू म्यूजिक, मेकिंग वीडियोस, एंड आई लाइक डांसिंग एज वेल. और या दैट्स इट. ओके, किसी ने लिखा है आई लाइक योर हेयर कलर. सो ये काफ़ी लोगों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैंने अपने बालों में कलर करवाया है या फिर कोई ऐसा हेयर कलर करवाया है, क्योंकि ये मुझे किसी ने पहले भी पूछा था और ये वापस आ रहा है. तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बालों में मैंने कभी हेयर कलर नहीं किया है. एंड अगर मैं चाहूँ तो भी मैं नहीं करवा सकती. मेरे बहुत सारे मतलब मेरी मम्मी के बहुत सारे रूल्स हैं बालों पर, तो नहीं मेरा हेयर कलर मैंने कभी, मेरा ये हेयर कलर नेचुरल कलर है एंड मैंने कभी भी हेयर कलर नहीं करवाया है. तो जैसे वैसे लगता है वो गलत है, इट्स रॉन्ग. ओके लेट्स मूव ऑन. आर यू गोइंग टू गेट टैटूज? यस, किसे पता चला? सो यस, मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे टैटूज नहीं, टैटू एक दो बहुत हो गया आई थिंक चाहिए. तो लेकिन मुझे ऐसे लाइक पूरे हाथ में नहीं चाहिए, मुझे लाइक आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. जब भी आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम है. अभी थोड़े सालों के बाद या फिर अभी अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो जब मुझे लगेगा तब तो मैं ज़रूर करवाऊँगी. और मैं जब भी करवाऊँगी मैं ऑब्वियसली बताऊँगी. सो जब भी मैं करवाऊँगी तो मैं बता दूँगी, लेकिन हाँ प्लान तो है. आई लव यू एंड योर वीडियोज, थैंक यू. व्हाट इज योर एज? व्हाट इज माई एज? क्या लगता है, इतना मुश्किल नहीं है मेरी एज गैस करना. अगर किसी को पता है तो कमेंट करना, एंड अगर नहीं पता है तो गैस करो यार, पहले गैस करो मैं बताऊंगी जरूर. इतना मुश्किल नहीं है मेरी एज. व्हाई डिड यू डिलीट योर पिक्चर्स फ्रॉम इंस्टाग्राम? हाँ, वो मेरे बहुत मतलब मेरी जो पोस्ट थी वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उसका कोई ऐसे रीज़न नहीं है ज़्यादा, इतना कोई मतलब बड़ा रीज़न नहीं है. बस वो मेरी फ़ोटोग्राफी मेरी ज़्यादा है, तो मैंने ये सोचा कि फ़ोटोग्राफी के लिए अभी रखते हैं. फिर मैंने बनाया भी, लेकिन मुझे नहीं लगा रखना चाहिए, तो फिर मैंने वो भी डिलीट कर दिया अकाउंट. तो मैं अपना बनाऊँगी, लेकिन अभी के लिए जो है वही है. और उस बहाने इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दूंगी. एंड यस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. व्हाई वर यू नॉट कमिंग इन व्लॉग्स फ्रॉम सो लॉन्ग? ये बहुत लोगों ने पूछा, द मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा कॉमन. तो इसका ना ये मुझे ऐसे फेस टू फेस भी लोगों ने काफ़ी पूछा अभी काफ़ी टाइम से, तो इसका भी मैं आज जवाब देना चाहूँगी. मैं काफ़ी टाइम से ऑन कैमरा नहीं आई, एंड अब मैंने वीडियोस कुछ अभी बनाए हैं लेकिन उसमें मैं नहीं दिख रही, विच इज़ ट्रू. तो ये जैसे भी नोटिस किया, बहुत अच्छा नोटिस किया है.
तो हाँ मैं ऑन कैमरा नहीं आ रही हूँ, उसके पीछे का कोई खास रीज़न नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं नहीं आ रही, आई डोंट नो, मैं बस मैं थोड़े टाइम के लिए यू नो ऐसे ब्रेक टाइप हो गया कि मैं नहीं आई ऑन कैमरा। एंड लोग लाइक काफ़ी सारे कुछ कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि यू नो तुम अपने वीडियोस में बोलो एंड हमें देखना है एंड तुम लाइक अपने आप को भी दिखाओ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ये सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इस बार मैंने डायरेक्ट Q&A बना दिया कि मैं बोल 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 करूँगी एंड उसके बाद आप लोग मुझे देख भी सकते हो एट द सेम टाइम। लेकिन हाँ अब उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बट अब आप लोग मुझे देखोगे और आप मुझे सुनोगे भी क्योंकि मैं बोलूँगी भी। सो यस ओके नेक्स्ट इज, अरे हाँ, सो नेक्स्ट इज टेल अस योर यूट्यूब एंड लाइफ जर्नी और स्टोरी स्लैश स्टोरी। सो इस पे मैंने सोचा है कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी लाइक अलग से, जिसमें मैं अपनी यूट्यूब के बारे में और अपनी लाइफ की लाइक जर्नी या जो भी है उसके बारे में मैं यू नो बातें शेयर करूंगी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कभी नहीं बताती लाइक मतलब पर्सनल लाइफ मतलब मैं अपनी फैमिली एंड मेरी फैमिली के बारे में मेरी फैमिली या फिर ऐसा कोई भी इंसान लाइक ऐसे जो है उसके बारे में कभी नहीं बताती ऑन कैमरा या फिर मैंने कभी दिखा नहीं है। हाँ कभी कभी मेरी मम्मी या मेरी बहन या मेरे पापा ऐसे दिख जाते हैं, लेकिन मैंने कभी स्पेसिफिकली बैठ के या उन किसी के बारे में कुछ बताया नहीं है, कभी भी नहीं बताया। और मेरी फैमिली के बारे में मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है। मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ऐसे यू नो ऐसे साइड में ऐसे रख देती हूँ जब कैमरा ऑन होता है तो। लेकिन हाँ जब एक वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें मैं आप लोग को सब बताऊँगी अपनी लाइफ के बारे में, यूट्यूब के बारे में मेन तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, व्हाट हैपन टू योर यूट्यूब चैनल। सो इस पे अभी मैं बताना चाहूँगी, इस पे लोगों को बहुत सारे ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आए ऐसे कि व्हाट हैपन टू माई लास्ट यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब मेरा वो जो चैनल है उस पे आई थिंक कुछ ग्लीच था एंड पहले पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना नहीं था, लेकिन फिर ग्रो करने लगा था एंड आराम से लाइक अच्छा अच्छा व्यू आ रहे थे। और आई थिंक स्टार्टिंग के लिए वो व्यू और इतने सब्सक्राइबर सही थे मेरे हिसाब से, तो वो आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ लाइक इतना लाइक एंड मोमेंट पे वो मेरा चैनल चला गया एंड उसके बाद मैंने ऐसे थोड़े टाइम तक तो मैंने गिव अप ही कर दिया था कि अब तो नहीं, अब वापस नहीं होगा। बिकॉज़ वो एक जो मैंने अपना कर दिया था ना पेज, तो वो अच्छा चल रहा था एंड फिर वो चला गया, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसे हो गया कि अब मैं वापस करूँगी, अब मुझे वापस रीस्टार्ट करना है। तो उसमें मैंने ये चैनल स्टार्ट करने में मैंने काफ़ी टाइम लिया और इस चैनल को भी ग्रो होते होते बहुत टाइम हो गया, अभी 6 महीने से मैं इसी चैनल के पीछे पड़ी हूँ कि 6 महीने से होगा होगा होगा, अभी अच्छा अच्छा हो रहा है थोड़ा बहुत, तो मुझे लाइक अच्छा लग रहा है। अभी ये चैनल मेरा पहले के चैनल से भी थोड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है, तो क्या लेकिन वो पुराने चैनल चली गई तो चली गई, अब मैं उसमें नहीं कुछ कर सकती। लेकिन मुझे बुरा तो लगा था कि चला गया, तो अब अगर नहीं अब अगर अब वापस में ऐसा ऐसा होता है तो फिर पता नहीं मेरा रिएक्शन क्या रहेगा। लेकिन जब चला गया तो किसी को पता नहीं था, लेकिन वो चैनल अभी भी यूट्यूब पे आपको दिखेगा एंड या यू कैन स्टिल सी इट, बट आई डोंट हैव एक्सेस तो मैं उस पर कुछ पोस्ट नहीं कर सकती अब। हाँ जी, सो नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी, यू आर वेरी क्यूट, थैंक यू। ओके, शो योर बेबी पिक्चर्स। मेरे बेबी पिक्चर्स ओके तो इधर दिख जाएंगे, बताना कमेंट में मैं कैसी लग रही थी जब मैं बेबी थी तब। हाँ आई गेस ओके, ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था जो लोगों ने पूछा, वो था वेयर डू यू लिव एंड वेयर आर यू फ्रॉम। सो ये ना इसमें भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट मुझसे गलती से भी थोड़ी बहुत हुई है एंड लोगों ने भी बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप ही कॉम्प्लिकेटेड किया है इस बात को, तो आज मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मैं हूँ गुजरात से एंड इंडिया एंड अभी मैं करंटली रह रही हूँ कैनेडा में ऑन्टारियो। अब सिटी मैं नहीं बता सकती लेकिन हाँ
तो मैं 3 साल से कनाडा में हूँ, और उससे पहले मैं गुजरात में थी। तो हाँ, लेकिन अगर कोई भी मुझे ऐसे पूछता है, मैंने बहुत बार गलती की, अगर किसी ने मुझे पूछा वेर आर यू फ्रॉम, तो मैं बोलूँगी गुजरात, क्योंकि मैं उधर से हूँ। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, अब वो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं इधर बताऊँ या उधर बताऊँ, ऐसा। तो हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है गुजरात में, इंडिया, गलती हो रही है मेरी। एंड अभी अभी 3 साल से मैं हूँ इधर, 3 साल और कुछ और महीने। परफेक्ट। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स? माय फेवरेट स्पोर्ट्स इज बैडमिंटन, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट इट एंड आई लव इट। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो? इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। अभी अभी मेरे घर पे ना ऐसे बहुत बार लाइक मेरी मम्मी ऐसे मराठी बोलती है कभी कभी, और मैं ऐसे पूछती हूँ कि ओ इसका मतलब क्या है। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा वो भी सीख रही हूँ ऑटोमेटिक, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद से वो भी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। बाकी और एक और लैंग्वेजेस का मुझे नाम नहीं पता, और स्पेनिश मेरी फ्रेंड है तो वो मुझे सिखा रही है, लेकिन वो मैंने पूरा सीखा नहीं है, लेकिन मैं सीख रही हूँ, वो भी सीख जाऊँगी आई थिंक। एंड या, तो इतना ही आता है। फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर, वॉट इज डिफरेंट इन यू? बिफोर आई वॉज वेरी डिफरेंट, मतलब मेरा जो माइंड सेट था, मतलब माइंड सेट वाइज भी मेरा बहुत डिफरेंट था पहले थिंकिंग, और अभी बहुत डिफरेंस है। फिर और क्या कह सकते हैं, और मतलब सॉरी, ओके हाँ, सो डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड नाउ इज, पहले मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, अब बहुत समझ आ गई है, बहुत सारी चीज़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऐसे जब आप ग्रो करते हो तो आपको ऑटोमेटिक वो एक आ ही जाता है। लेकिन हाँ, वो मेरा एक जो किडिश लाइक चाइल्डिश बिहेवियर है, किडिश नहीं कह सकते, चाइल्डिश बिहेवियर है, वो अभी भी है एंड वो हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा ना, तो फिर वो मैं नहीं रहूँगी एक्चुअली। सो वो एक है। एंड लुक्स वाइज आई थिंक, एंड एज वाइज तो डिफरेंस आता ही है, तो सही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और तो मैंने पहले बोला मैच्योरिटी वाला। ओके, डू यू गेट हेट? डू यू गेट हेट एंड हाउ डू यू हैंडल हेट? हेट वाला हेट नहीं, मतलब इतना भी हेट नहीं कि लोग ऐसा बोले, लाइक बुरा बुरा बोले एंड मैं वो सिर पे लेके बैठी हूँ, ऐसा नहीं होता कभी भी। बट हेट नहीं, लोग मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो जो मजाक उड़ाते हैं उन्हें मैं मजाक में ही ले लेती हूँ, मैं ज़्यादा सीरियस नहीं होती, और किसी की बात मैं अपनी सिर पे नहीं लेती। पहले मुझे ऐसे बैठ जाता था और फिर वो मेरे दिमाग में घूमता रहता था, घूमता रहता था। अब नहीं ऐसा होता, अब मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, कोई कोई भी मजाक उड़ाए, अगर आप मेरे बारे में मजाक उड़ेंगे मैं भी हंसूँगी। सो हाँ, ऐसा हेट नहीं मिलता, बस लोग मजाक उड़ाते हैं एंड जो मजाक उड़ाते हैं उन्हें उड़ा दें तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, लेकिन मैं किसी की वजह से अपना काम स्टॉप नहीं कर सकती। मैं जो भी करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं ये करूँ, मैं कुछ और करूँ, मैं किसी वजह से, मैं कोई अगर मजाक कर रहा है या जो भी कर रहा है, जैसे भी जो भी बोलना, उसकी वजह से मैं अपना नहीं रोक सकती कुछ भी। सो या, ये तो मेरा ही डैमेज है इसलिए। वेयर डिड यू बाय द टाई डाई टी शर्ट फ्रॉम? टाई डाई टी शर्ट कोई व्लॉग में पहने मैंने, आई थिंक टाई डाई टी शर्ट, आई थिंक ओ हाँ, राइट 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 राइट, अब भी याद आया, मैंने वो फुल फुल स्लीव्स वाला पहना था, और टाई डाई हाँ, मतलब कलरफुल टाई डाई था। तो वो टी शर्ट मैंने कहाँ से लिया था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी अभी इधर भी नहीं है कि मैं देखूँ और मैं बताऊँ, लेकिन वो उसका ब्रांड मैं बता सकती हूँ अभी, मैं बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं देख के इधर लिख दूंगी कहीं पे, सो यू गाइस कैन सी। एंड या, मतलब वो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन थैंक्स फॉर आस्किंग। ओ ओके, सो लोगों ने ये एक
क्वेश्चन पूछा है कि यू नो लाइक हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन ऑन यूट्यूब, लाइक मैं कितने टाइम से हूँ यूट्यूब पे. मैं कितने टाइम से हूँ यूट्यूब पे, मैंने कौन से साल में स्टार्ट किया था पता है? 2015 एक्चुअली. मैं हूँ नहीं, मतलब 2015 में मुझे से ना शौक चढ़ा था, पता नहीं क्या था मेरा, लेकिन मैं बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखती थी. यूट्यूबर नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं कुछ लोगों को देखती थी और उन्हें देख के मुझे भी ऐसे मन होता था. मैं बहुत छोटी थी तब, तो मैं ऑब्वियसली खुद नहीं बना सकती थी या ऐसे कुछ कर नहीं सकती थी, एडिटिंग या कुछ भी, यूट्यूब चैनल ऐसा कुछ नहीं था. तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला था कि यू नो ऐसा करना चाहिए, मुझे करना है एमए. मम्मी पापा ने बोला तो बहुत छोटी है अभी, रुक जा ये वो. तो फिर आई थिंक 2018 में टिकटॉक बहुत ज़्यादा चल रहा था, एंड 2018 में मैंने लाइक 2018 से मैंने फिर स्टार्ट किया वीडियोस बनाना, लाइक अपने आप ही. मुझे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता था पहले से, एंड मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही ऐसे टूटा फूटा बोल लेती थी. तो मैं ऐसे, मेरी बहन भी इतनी इतनी थी तो मैं उसे लेके बनाती थी वीडियोस मेरी मम्मी या पापा के फ़ोन में. एंड वो वीडियोस अभी भी है ऑनलाइन ऑन ऑन चैनल, लेकिन वो प्राइवेट है तो वो किसी को दिखता दिखेगा नहीं. बट कभी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी वो वीडियोस. एंड यस, तो यही रहा है. तो 2018 टू 2023, उसमें बीच में ब्रेक भी आया, जैसे कि मेरा. फिर मैं जब 2015 में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसके बाद डायरेक्ट 18 में ना, 19 20 में हम इधर आए कनाडा में. तो 20 में मैंने, हाँ फिर 20 से मैं कंटिन्यू बना रही हूँ, लेकिन उसमें अभी 2021 में जब मेरा चैनल चला गया तो ब्रेक आ गया था थोड़ा थोड़ा, नहीं काफ़ी ज़्यादा. एंड उसके बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट किया. सो 2018 टू 2023, बहुत लंबा है मेरा जर्नी, एंड मुझे ही पता है मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया है, क्योंकि सिंपथी गेन नहीं कर रही, बस ऐसे ही बता रही हूँ. क्योंकि ऐसे लगता है यार, कोई भी हो, मैं या कोई और भी है, अगर कोई भी वीडियो, ऐसे नहीं सिर्फ यूट्यूब नहीं, कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो लाइक कितनी, मतलब यू नो ऐसे बोलना देखने में बहुत इजी है, ठीक है. अब जैसे कि लोग रील्स बनाते हैं तो वो भी लगता है कि इजी है इजी है, लेकिन जब आप बनाना चाहते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितना इजी है. सो यस, एनीवे, तो यही था हमारा Q&A. आई होप यू गाइस लाइक एंड यू गॉट ऑल द आंसर्स. मैंने सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाता और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैंने मेन मेन के आंसर दे दिए. एंड या बहुत सारे लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच. मतलब पहले से तो, मतलब मैं वापस थोड़ा ऊपर आ रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो थैंक यू सो मच. एंड अभी गणपति आ रहा है, सो गणपति बापा मोरिया. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. बाय. और जब भी मैं करवाऊंगी ऑलवेज सॉरी 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 सॉरी. कहना क्या चाहते हो?